नमस्कार, न्यूज 20 इंडिया के साथ प्रेरणा उपाध्याय। आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आज जन्मदिन है। कोरोना काल की वजह से राहुल गांधी अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। वहीं पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को अपील की है कि सादगी से जन्मदिन मनाएं, वहीं लोगों की मदद करें। वहीं राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस महामारी में निर्धन लोगों की व जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुँचाए। वहीं आज पूरे राजस्थान प्रदेश भर में रन फॉर लंग्स का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम में सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी के तहत राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में NSUI के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बांसवाड़ा मुख्यालय स्थित कॉलेज ग्राउंड के ट्रैक पर कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में रन फॉर लंग्स का आयोजन किया। आयोजन के तहत 100 मीटर, 400 मीटर, 1600 मीटर की दौड़ हुई। वहीं इस आयोजन में शिरकत करते हुए मुख्य अतिथि समाज सेवी विकेश मेहता, कांग्रेस जिला प्रवक्ता इमरान खान, पार्षद स्नेहल जॉन, नटवरतेली चंदा डामोर, किसान प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष शाहिद मंसूरी ने प्रतियोगिताओं को पारितोषित कर सम्मानित किया। वहीं राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के दर्शन पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में युवा वर्ग के साथ साथ महिला व बच्चों ने भी भाग लिया। राहुल गांधी के जन्मदिन को कार्यकर्ताओं ने सादगी के साथ मनाया। वह इस कार्यक्रम के तहत आसिफ मुस्तफा, गुरमित चरपोटा, जितेंद्र डोडिया, निकुंज सोनी आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर सभी कांग्रेसजनों ने बहुत ही सादगी से कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए उनका जन्मदिन सब जगह मनाया है। पूरे राजस्थान भर में आयोजन हुए हैं। इसी क्रम में बांसवाड़ा जिले में भी रन फॉर लंग्स का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं ने अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए दौड़ लगाई और 400 मीटर 100 मीटर की दौड़ आयोजित हुई। इसमें विजेताओं को कॉलेज ग्राउंड में स्टेडियम के अंदर कोरोना की गाइडलाइन के अंतर्गत पालन करते हुए पारितोषिक भी दिए गए और सभी ने राहुल गांधी के उज्जवल भविष्य की कामना की। राहुल जी का बांसवाड़ा से और वागड़ से विशेष स्नेह रहा है। सभी युवाओं ने शपथ ली कि हम आने वाले समय में पीड़ित मानवता की सेवा करेंगे, वृक्षारोपण के अधिक से अधिक कार्यक्रम चलाएंगे और प्रदेश की जो सरकार है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चल रही है वैक्सीनेशन अभियान में भी सहयोग करेंगे और हमारे यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर इस इलाके के बेहतर विकास के लिए काम करेंगे।